सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उत्तर कोरिया ने सेना के 3 टॉप अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। ऐसा करने के पीछे किम जोंग की मंशा अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए ऐसे गंभीर समय में सेना के पदाधिकारियों को लेकर हेरफेर से किम जोंग और उनकी पार्टी की कोरियन पीपल्स आर्मी पर पकड़ मजबूत होगी। रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन CNA में इंटरनेशनल अफेयर्स ग्रुप के डायरेक्टर केन गोस कहते हैं, अगर किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ शांति स्थापित करने और परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार है तो उन्हें सेना के प्रभाव को एक किनारे करना होगा। यह फेरबदल उन अफसरों को पर्दों पर बिठाने के लिए किया गया है जो सिर्फ किम जोंग उनके प्रति वफादार हो। मिसाइल कार्यक्रमों में सेना को दूसरा स्थान देने वाले देश में यह फेरबदल ऐसे अधिकारियों को लाने के लिए किया गया है जो युवा हो और जिन पर किम जोंग भरोसा कर सके। नॉर्थ कोरिया एक्सपर्ट्स माइकल मेडन ने कहा कि किम जोंग उन मौजूदा वार्ताओं के बाद अधिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निवेश की उम्मीद कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, जिसकी वजह से पिछले कई प्रोजेक्ट्स ठप हो गए। सभी नए अफसर अपने पूर्व अधिकारियों से कम उम्र के हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।